ये देखे माशाल्लाह कितनी अच्छी ये तैयार हुई है, जिस तरह मर्जी इसको करें बिल्कुल ये सेट और परफेक्ट बनी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रोल की जो पट्टी होती है उसको बनाने की रेसिपी, और वो हम बनाएंगे लिक्विड डो से, दूसरी गोंद के उसकी डो नहीं बनाएंगे। और आज मैं इस वाले अपने किचन में ये रेसिपी नहीं आपसे शेयर कर सकती क्योंकि रात को बारिश शुरू हुई थी और हम लोग शापर नहीं डाल सके अपने चूल्हे के और चौंतरे के ऊपर, तो उस वजह से चूल्हे के अंदर पानी चला गया और आग नहीं जल रही। तो चलिए चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है और ये कैसे बनाई जाती है। लिक्विड डो से रोल पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी जो बर्तन हमने लेना है वो एक ही बर्तन लेना है, उसी के नाप से हमने बाद में पानी डालना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैदा है, इस तरह लेवल करके ये दो प्याली मैंने मैदा लिया है। इसी बर्तन के साथ सादा पानी है, ये कोई नीम गर्म पानी नहीं है या किसी भी किस्म का नहीं है। ये थोड़ा अभी मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि पहले हम इसको मिक्स करके चेक कर लेंगे फिर दूसरा डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये पानी भी मैं शामिल कर लूंगी इसमें। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह हमने करना है इसको। ये देखें जितना आटा था उतना ही पानी चला गया इसमें। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, आधे चम्मच के बराबर इसमें नमक डालना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और ये देखें इस तरीके का ये होना चाहिए। फिर भी अगर पता ना चले तो ये देखें चम्मच के ऊपर ऐसे एक तय बननी चाहिए। अब ये रेडी है। ये एक छन्नी लेनी है, खुला बर्तन ले लेना है जिसमें हमने डालना है इसको, और छान लेना ताकि अगर कोई गुठली वगैरह हो भी तो वो अच्छी तरह निकल जाए। ये अच्छी तरह मैंने इसको छान लिया। मैदा रेडी हो गया और ये मैंने कोई भी एक चम्मच आप ले लें जिससे कि आप बार बार पमाइश कर लें, ये मैंने चम्मच ले लिया। और ये फ्राई पैन है, इसमें ये ऑयल है और ये थोड़ा सा मैं इसके साथ लगाऊंगी, हल्का सा बस इसको ग्रीस कर लेना। रुई के साथ भी कर सकते हैं, ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। और अब इसको हल्की आंच पे, बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी आग, थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि थोड़ी सी इसको हीट पहुंच जाए। हल्की सी हीट लग गई है, अब ये मैं इससे नाप करके इसमें डालूंगी और फौरन इसको हिला के इसके सारे में फैला देना है इस तरीके से ताकि एक जैसे सब की साइड पे बने। और अब इसको
रख के हम इंतजार करेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, फिर हम इसको छेड़ेंगे, ये जो बबल है इसको फोड़ देंगे। किनारों से ये तकरीबन बन चुका है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसके किनारे छुड़वाएंगे। अंदर से भी थोड़ी कसर वो हो जाए, किनारे इसके छुड़वा लिए हैं। अब आहिस्ता से इसको ये देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी पतली, ये हाथ गर्म बहुत ज्यादा है, पकड़ी नहीं जा रही, ये देखें बिल्कुल बारीक। इसी तरह हम बाकी भी सारी रेडी कर लेंगे। हर मर्तबा ये जो पैन को ग्रीस ये लाजमी करना है हल्का सा, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। यकीन करें कि दूसरी पट्टी बनाने के लिए हमें पहले आटा गूंदना पड़ता है, फिर इसको हमें बेलना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है। ये 2 मिनट में मैदा तैयार और 2 मिनट में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाती है। इसी तरह पट्टियां सारी रेडी हो चुकी हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी बारीक बनी है। जितना मैंने आपको बताया ना कि इसमें डालना है मैदे में पानी, अगर उससे इतनी बारीक ना बने तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप उसमें और थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, क्योंकि मैदे के जो है ना पैमाइश में थोड़ा बहुत फर्क आ जाए तो आ जाता है। तो अब इसको हम इसमें फिलिंग आप कोई भी चिकन वाली कर लें, ये मैं तो आलू वाली कर रही हूँ, चिकन वाली कर लें, आपके घर में कोई सालन वगैरह बना हो आप उसकी फिलिंग कर लें, जो मर्जी आप चीज की फिलिंग कर लें, इसके अंदर बहुत ही मजे के बनते हैं। और इसको आप फ्रीजर में रख भी सकते हैं, इस पॉइंट पे जैसे ये पड़ी हुई है, इनको इसी तरह किसी बैग में डालें शॉपर में और इसको फ्रीजर में रख दें, जब आपने बनाने हो रोल तो आप निकालें 1 घंटा पहले और इनको बना लें। ये 2 चम्मच मैदा है और इसमें पानी मिक्स किया है, इसको उंगल की मदद से यहां लगाएं और इस तरीके से बना के ये बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये पट्टी तैयार हुई है और इसको बना के आप अफतारी के लिए अभी से बना के इसको फ्रीज करें और रमजान में निकाल के इसको फ्राई करें और अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं। और ये बहुत ही मददगार साबित होती है कि रमजान में हमें इबादत के लिए टाइम मिल जाता है इस तरह की चीजों का। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर प्लीज किया करें, ताकि हर कोई इस तरह की चीजों से फायदा उठा सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पीली झंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।